सपना देख रहे थे क्या? हाँ भाई। किसका सपना? अपने गांव का। कौन सा गांव? अकोदरा। बहुत अजीब सपना था। अजीब क्यों? मैंने सपने में देखा कि मेरे गांव में किसी की जेब में पैसा नहीं है, सब लोग अपनी जेब में कार्ड लेके चल रहे हैं। बहुत अनोखा सपना था आपका। ये सपना नहीं, हकीकत। आप किससे बात कर रहे हैं भाई साहब? आप ही से। अच्छा, और कहना क्या चाह रहे हैं? यही, इन्होंने जो सपना देखा है वो अब सपना नहीं रहा, हकीकत बन चुका। वो कैसे? क्योंकि अब अकोदरा डिजिटल विलेज बन गया है। डिजिटल विलेज, इसका क्या मतलब? डिजिटल विलेज का मतलब तो सुनो, नई सोच और नई है शान। हाँ, गांव में अपने बैंक है, अकाउंट को लाभ है आसान। तुरंत करो ये पहला काम, तुरंत करो ये पहला काम। भाई, लेकिन बैंक अकाउंट से क्या होगा? डिजिटल विलेज में जो भी कमाई होती है वो सीधा बैंक अकाउंट में जाती है, और जो भी खर्चा होता है वो सीधा बैंक अकाउंट से कटता है, तो नकद की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो वो कैसे? अरे झटपट 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 झटाके झटपट झटपट झट हर बेचो भाई, धपाके से पैसा अकाउंट में फटाक से, चाहे दूध चाहे अन्न या जो भी चाहे मन, और जोड़ो जोड़ो धन मर जनक मटाक सटाक धनक 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 धन धन। भाई, लेकिन खरीदने के लिए तो नोट चाहिए ना? ओ बेचो खरीदो जी, और सब जो पूछो जी, ना नकद रोकड़ा देवू ना कोई झंझट ले वो जी, या कोई बीज बस शिक्षक कर लो जी, या टिक टिक कर लो जी। भाई, गांव तो बिल्कुल कैशलेस हो गया, बिल्कुल मेरे सपने के जैसे। हाँ, लेकिन इसका क्या फायदा? फायदा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किस चीज से? कैश को ले जाना कैसे, ओ अरे कैश को संभालना कैसे, कैश के झंझट से स्वतंत्र, तो कैशलेस हो बन स्वतंत्र। लेकिन अगर इमरजेंसी में कैश की जरूरत पड़े तो? ना रिश्तेदारी ना दुनियादारी, ना दोस्त यारी ना कोई उधारी, किसी भी दिन और किसी भी बारी हमारी हमारी मैं जाऊं जी, ऐसे सुंदर माया मैं भारी जाऊं जी। ये तो कमाल हो गया। असली कमाल तो ये है कि अब बैंक अकाउंट से कमाई और खर्चे का पूरा पूरा हिसाब है, और इसीलिए सही तरह से बचत कर सके। अच्छा अच्छा, तो बैंक अकाउंट खुलने से गांव डिजिटल हो जाएंगे? बैंक अकाउंट तो एक शुरुआत है, डिजिटल होने के लिए इंटरनेट की जरूरत है, और वो भी वाईफाई। वाईफाई इस गांव का नया पावर है, ये वाईफाई का टावर, हर बैठे बैठे ही मुझको दुनिया का हर कोना घुमा। इस बीज का कितना किराया, इस बीज का कितना दाम, पता है मुझको किस विभाग ने दी है कितनी ग्रांट, जिरे भाई दी है कितनी ग्रांट। ये गांव है ये शहर? क्यों, भारत का हर गांव भारत के हर शहर जैसा क्यों नहीं हो सकता? यही तो फर्क मिटाना है। पर कैसे होगा? एटीएम और वाईफाई तो अच्छी बात है, पर पढ़ाई का क्या करोगे? स्कूल तो अभी भी शहर में ही अच्छे हैं। लेकिन अकोदरा से अच्छे नहीं। क्या कह रहे हो भैया, अकोदरा में अब स्कूल भी बदल चुके हैं? बिल्कुल, स्मार्ट देश की नींव स्मार्ट स्कूल्स और स्मार्ट बच्चों में ही होती है, और अकोदरा में ये नींव रखी जा चुकी है। अच्छा जी, स्मार्ट है साधन स्मार्ट है शिक्षण भविष्य भी है स्मार्ट, अब तुम्हारे स्कूल सब स्मार्ट 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 हो जी रे, अब तुम्हारे स्कूल सब स्मार्ट स्मार्ट स्मार्ट। खुद करो और समझो बूझो, टच करो और जादू देखो, चौक इन टॉक अप हुआ पुराना करके सीखो का जमाना, हमारे स्कूल सब स्मार्ट स्मार्ट स्मार्ट। और सबसे स्मार्ट बात तो ये है कि अब लड़कियों के लिए एक स्किल सेंटर, स्किल सेंटर जहाँ उन्हें ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के स्किल सिखाए जाते हैं, ताकि पढ़ लिख कर वो अपना करियर बना सके।
गया, पर ये सब सच हुआ कैसे? दूर की सोच और पक्के इरादों से आईसीआईसीआई बैंक में सरकार के साथ मिलकर एक सुनहरे भविष्य की तरफ अपने कदम बढ़ा और अकोदरा को एक सामान्य गांव से डिजिटल विलेज बना। ये तो कमाल हो गया। नहीं, ये कमाल नहीं है, ये क्रांति है, क्रांति। हाँ, अरे भाई साहब आप कहाँ चल दिए, आपका गांव तो इधर है। अरे पर क्रांति तो इधर है। अरे कैसी सुंदर